तुम? और ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा पीछा कर रहे हो ना? देखो मेरे मामा जी पुलिस में, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। शादी के लिए हाँ बोल। पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ना मैं तुम्हें ठीक से जानती हूँ ना तुम मुझे ठीक से जानते हो, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? अरे यार ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अरे लग रहा है किसी ने अंदर से लॉक किया दरवाजा। तारा खन्ना, 6 साल तक तुम अपनी मासी के साथ बांदाप में रही, फिर तुम अपने शहर वापस गई और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। पिछले साल तुम मुंबई आई और MC कॉलेज में एडमिशन लिया। हॉस्टल में रहती हो लेकिन दोस्त एक भी नहीं। सनसेट देखना तुम्हें बहुत पसंद है, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है, राइट हैंड पे तुम्हारे बर्थ मार्क। इसके अलावा मैं बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में जो शायद तुम अपने बारे में नहीं जानती होगी। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? घर जाओ और सबको बोलो कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद तुम लोगों को अच्छा ना लगे। ये कहाँ चला गया? कुछ नहीं होगा बेटा, घबराना नहीं। हाँ मम्मा है ना? आदि बेटा, आदि आदि बेटा, आदि उठो बेटा, आदि घबराओ मत बेटा, मम्मा है ना? हाँ कुछ नहीं होगा। आज घर पर नहीं है पिया, क्या हुआ? दैविक होकर इतना घबरा रही है क्यों? तो ये सब आपने किया है ना? मेरा शक सही था, आप डायन बन चुकी है, मेरे आदि की हालत आपकी वजह से हुई है। आदि आदि रुकी, दूर रहिए मेरे बच्चे से, मुझे उसके पास जाने दो। मैंने कहा दूर रहिए मेरे बच्चे से, हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ। नहीं या मुझे मुझे नहीं। आदि अपनी रक्षा खुद कर सकता है, उसे बस खतरे का एहसास दिलाना जरूरी था। तुमने सही कहा पिया, मैं डायन बन चुकी हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। माँ कहाँ जा रही है? माँ रुकिए, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझसे बात कीजिए। माँ रुकिए, माँ मत रोको मुझे। आज मेरी वजह से जो आदि के साथ हुआ उसके बाद मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। माँ रुकी, माँ कहाँ जा रही है? इन्हीं हाथों से मैंने आदि को पाला है, उसे प्यार दिया, उसे अपनी गोद में खिलाया, और आज यही हाथ आदि की जान के दुश्मन बन गए। अगर मैं क्या कर सकती, मेरा खुद पर बस ही नहीं है। रूबी इस घर से जाते वक्त मुझे मोना की चोटी लगा गई थी। मोना मेरी बहन थी, मेरी माँ एक डायन थी, इसीलिए ना ना चाहते हुए भी मैं डायन बन गई।
माँ हूँ, बीवी हूँ, दादी हूँ। लेकिन जब भी डायन मृत्यु आवी होती है, सिर्फ एक डायन बन के रह जाती। गुस्से में आकर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मैं जाने में मैंने आ दी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से बस चले ही जाना चाहिए। माँ रुकिए, आप कहाँ जाएंगी? माँ यहाँ से दूर, तुम सबसे दूर, इस घर से दूर, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहना तुम सबके लिए खतरा बन चुका है। इस घर पर डायन की नजर नहीं पड़ सकती, भले ही वो डायन मैं क्यों ना हूँ। मैं मोहना की तरह नहीं बनना चाहती पिया, मैं अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती। मगर मैं क्या कर, मेरे पास और कोई चारा नहीं। लेकिन माँ, आपका चले जाना इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। भले ही हम सेफ हो जाएंगे, लेकिन आपका क्या, आप फिर भी डायन रहेंगी। आपको इस श्राप से फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी मदद करोगी पिया? बोलो पिया, मेरी मदद करोगी? मदद करोगी मेरी? मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगी पिया? दोनों शोर कि उस लड़की का राक्षस चिन्ह ग्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ग्लो कर रहा हो और तुम दोनों ने देखा ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, बरेली का सुरमा अपनी आंखों में लगाते हैं, आंख हमारी एकदम टकाटक ठंडी रहती है, दूर की चीज बड़ी जबरदस्त दिखती है हमको। अगर वो राक्षस चिन्ह चमक रहा होता तो हमको साफ दिख जाता। अच्छा, क्या नंबर है? अरे तो स्टाइल के लिए हम लगाते हैं। शायद हमने उस निशान को मिस कर दिया, पर किसी ने तो देखा होगा ना, वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स थे, किसी ना किसी ने तो नोटिस किया होगा ना। अरे यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं सर जी, हम यही मान नहीं सकते कि उछाल का रस अभी तक उस ग्लो को छुपा रहा हो। कहे कि हम उस लड़की को जब देखे तो वो तो साफ सुथरी दिख रही थी, नहाने धोने वाली लग रही थी, और फिर नहाई धोई होगी, उछाल का रस उतर गया होगा। डैड हम आपसे कह रहे हैं ना, वो निशान ग्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब उस राक्षस ने राक्षस चिन्ह को खुद ही मिटा दिया था, क्योंकि वही ऐसा कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राक्षस ने उस लड़की को ढूंढने के बावजूद उसे दोबारा किडनैप नहीं किया, और ना ही उससे वो कील लिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कील का दूसरा हिस्सा लेने हमारे पास जरूर आता। आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा है वो? पिया, क्या कर रही हो? किसे फोन लगा रही हो पिया? निशान जी को? नहीं 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 पिया, उनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। लेकिन क्यों माँ, बाबा के पास ही इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। नहीं 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 पिया, निशान जी एक रीवा वंशी, उनके लिए हर डायन दुश्मन होती है। वो डायन को श्राप से नहीं बल्कि जिंदगी से आजाद करवा देते, और अगर उन्हें या घर में से किसी को मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? और अंश, अंश, अंश तो मुझे नफरत करने लगेगा पिया। पिया नहीं, मैं नहीं चाहती कि अंश भी मुझे उसी शक की नजर से देखे जिस नजर से वो मोहना को देखता था। पिया, पिया सुनो, पिया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, सब कुछ, लेकिन अपने परिवार की नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। माँ आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? आपसे कोई नफरत नहीं करेगा, मेरी बात मानिए, मुझे बाबा से बात करने दीजिए, बाबा मेरी बात जरूर मानेंगे और आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे। मैं जानती हूँ पिया, मगर आज मेरी मदद सिर्फ एक दैविक कर सकती। बोलो पिया, करोगी मेरी मदद? मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवाओगी? मानो पिया, मानो। हाँ माँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।